आप लोगों को जहाँ जहाँ पर भी किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं हमेशा आप लोगों के पास अवेलेबल रहूँगा। सो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 15, जो कि सेकेंड ईयर की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर नंबर 1 है। तो इस चैप्टर का नाम है होम्योस्टेसिस। जब हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस की, तो होम्योस्टेसिस क्या चीज़ होती है, इसके बारे में आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम स्टडी करेंगे होम्योस्टेसिस के हवाले से, कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस और ऑस्मो रेगुलेशन, जिसके अंदर वाटर रिलेशंस एंड बैलेंस ऑफ वाटर शामिल है। जी तो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस का। मेरा बेटा, जब हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस की, तो होम्योस्टेसिस क्या चीज़ होती है, रिमेंबर दैट होम्यो और स्टेसिस ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं। अगर हम बात करें होम्यो और स्टेसिस की, तो मेरा बेटा याद रखिएगा कि होम्यो का मतलब होता है सेम, बिल्कुल सेम। जबकि जब हम बात करेंगे स्टेसिस की, तो स्टेसिस का लफ्जी मतलब होता है कांस्टेंट या फिर स्टैटिक कंडीशंस। तो रिमेंबर दैट जब हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस की, तो होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल कंडीशन को एक स्पेसिफिक रेंज पर कांस्टेंट रखना, एक स्पेसिफिक वैल्यूज पर कांस्टेंट रखना। तो अगर हम इस होम्योस्टेसिस के बारे में बात करें, तो फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप डिटेल में देख चुके हैं कि चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ को स्टडी किया था, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ में से एक जो पॉइंट था मेरा बेटा, वो भी ये पॉइंट था कि जो होम्योस्टेसिस है, यानी कि लाइफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सच टाइप ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव द प्रॉपर्टी, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। और वो क्या कर सकते हैं कि अपनी बॉडी पर आने वाली जो बॉडी की फ्लक्चुएशंस होती हैं, यानी बॉडी के आने पर आने वाली एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर से आने वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये उनकी फ्लक्चुएशंस को ना सिर्फ डिटेक्ट करते हैं बल्कि उसके अगेंस्ट बकायदा तौर पर रिस्पॉन्स भी करते हैं। जी तो हम बात करते हैं प्रॉपर डेफिनेशन की। याद रखिएगा कि ये लर्निंग पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसमें से बोर्ड के अंदर तकरीबन 13 मार्क्स का पेपर बनता है, जिसमें 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 लॉन्ग क्वेश्चन और 1 MCQ शामिल, 2 MCQ शामिल हैं। तो मेरे बेटा, हम बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स एंड फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसके बारे में हम क्या बात कर रहे हैं कि ये एक ऐसा स्पेसिफिक सेट ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट है इन ऑर्गेनिज्म, तो जो क्या करता है, स्टेबल टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। याद रखिएगा, हमारी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, ये नॉर्मली बहुत ज्यादा स्टेबलाइज होता है, स्टेबल होता है, रखने की जरूरत होती है इसे। लेकिन मेरा बेटा, याद रखिएगा कि बॉडी के बाहर वाले बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या एक्सटर्नल फैक्टर्स कहते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स कहते हैं, जो के बहुत ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होते हैं। सो देखिएगा, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड कंपोनेंट्स फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएट का मतलब होता है कि ये बहुत ज्यादा इनमें उतार चढ़ाव होता है। मैं अगर इसकी मिसाल दूं, तो मिसाल ऐसे है कि जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अगर हम टेम्परेचर को ही ऑब्जर्व करें, तो बॉडी के बाहर वाला टेम्परेचर, हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर तकरीबन 37 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहता है, यानी तकरीबन उसी एक नैरो रेंज में रिस्ट्रिक्ट रहता है। लेकिन अगर हम बाहर वाली साइड को ऑब्जर्व करें, तो बाहर वाला टेम्परेचर सर्दियों में बहुत कम, जबकि गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब एक्सटर्नल कंपोनेंट में जो टेम्परेचर है, ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा, इसके मुकाबले में अगर हम अपने बॉडी के इंटरनल कंडीशन की बात करें, तो हमारी बॉडी की जो इंटरनल कंडीशन होती है, ये हमेशा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर रहती है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर ये ताकत होती है, ये एबिलिटी होती है कि ये बाहर वाली बहुत ज्यादा जो फ्लक्चुएट करने वाली कंडीशंस होती हैं, उनको एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर या कांस्टेंट कंडीशंस पर फिक्स रखती है। इस कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस का। सो याद रखिएगा, स्पेसिफिक सेट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट इन ऑर्गेनिज्म स्टेबल टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड कॉम्पोनेंट फ्लक्चुएटिंग, याद रखिएगा कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा तादाद में फ्लक्चुएट करते हैं। तो ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट टू रिस्ट्रिक्ट एंड मैनेज, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये एडजस्ट टू रिस्ट्रिक्ट
एंड मैनेज। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि ये मैनेज करते हैं, ये कीप करते हैं किसको, बकायदा तौर पर एक्सटर्नल कंडीशन को एक कॉन्स्टेंट वैल्यूज में या एक लिमिटेड रेंज में रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो ज्यादा फ्लक्चुएशंस को बिल्कुल नैरो रेंज की फ्लक्चुएशंस में लेकर आना, ये काम होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सो आगे लिखा है कीप इंटरनल फ्लक्चुएशंस विद इन अ नैरो रेंज। यही बात मैंने आपके साथ की कि बाहर वाली बहुत ज्यादा तब्दील होती हुई कंडीशंस को बकायदा तौर पर नैरो रेंज की फ्लक्चुएशंस में कन्वर्ट कर देना मेरा बेटा, ये जो बॉडी की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है कि वो ये काम कर सकती है। इससे आगे हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन होगी कि द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बैरूनी एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली तब्दीलियों के पेश नजर मेरा बेटा इंटरनल बॉडी की कंडीशंस का रेगुलेट रहना, कांस्टेंट कंडीशंस में रहना, इसको हम नाम देते हैं होम्योस्टेसिस। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पेपर में 2 नंबर की आती है, इसको लर्न करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी इंपॉर्टेंस की। सो याद रखिएगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सेंट्रल रिक्वायरमेंट इन मेंटेनेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करवाने के लिए एक बुनियादी जरूरत होती है। सेंट्रल रिक्वायरमेंट का मतलब बुनियादी जरूरत है। कंपेल्स द अडेप्टेशंस इन चेंजिंग कंडीशंस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंपेल करती है कि वो बाहर से यानी इन चेंजिंग कंडीशंस जो कि तब्दील होती हुई कंडीशंस हैं, ये ऐसी अडेप्टेशंस होती हैं जो कि बहुत ज्यादा बाहर वाली तब्दील होती हुई कंडीशंस को नैरो रेंज की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं उसमें रिस्ट्रिक्ट करवाती हैं। अगली बात आ जाती है तो कंट्रीब्यूट इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस। सो याद रखिएगा ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, इसकी एक एग्जांपल ऐसे है कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो कंसिडर ये किया जाता है कि इस दुनिया में पाए जाने वाले तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया से ही इवॉल्व हुए हैं। तो मेरा बेटा जब हम बात करेंगे बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए हैं तो इनके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इसका मतलब तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो एक स्पेसिफिक मेथड के जरिए से अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली फ्लक्चुएशंस को रिस्ट्रिक्ट करवाती है। सो याद रखिएगा ये इनके एवोल्यूशनरी प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस जो हमारी बॉडी के अंदर कंडीशंस को रेगुलेट करता है वो बकायदा तौर पर एक कंट्रोल सिस्टम होता है। अच्छा नेक्स्ट हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म्स फॉर मेंटेनेंस कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। सो याद रखिएगा इसके हिसाब से हमने होम्योस्टेसिस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहला है ऑस्मोरेगुलेशन, दूसरा है एक्सक्रीशन और तीसरा है थर्मोरेगुलेशन। याद रखिएगा ये तीनों नाम इनको किसकी बेस पर दिए गए हैं, ये इनको इन्वायरमेंट यानी इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स के हवाले से दिए गए। जैसे मिसाल के तौर पर जब हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की, तो ऑस्मो का मतलब होता है वाटर एंड सॉल्ट्स या सोल्यूट, वाटर एंड सोल्यूट। रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस। सो याद रखिएगा मैकेनिज्म टू रेगुलेट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट ऑफ सोल्यूट एंड द गेन एंड द लॉस ऑफ वाटर, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर रेगुलेशन होती है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदरूनी एनवायरनमेंट की और बैरूनी एनवायरनमेंट का। बैरूनी एनवायरनमेंट में सोल्यूट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन जो होती है ये वेरिएबल होती है, जबकि अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के इनसाइड, तो इनसाइड की कंडीशन जो होती है ये तकरीबन कॉन्स्टेंट होती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपनी एक्सटर्नल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को, कंडीशन में क्या चीज आ जाती है वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन, इसको प्रॉपरली रेगुलेट करना इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। सो याद रखिएगा ऑस्मोरेगुलेशन प्लांट्स में भी होगी और एनिमल्स में भी होगी, और इसका प्रिंसिपल क्या है इसकी डिस्कशन करते हैं हम बाद में। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मैकेनिज्म टू एलिमिनेट द नाइट्रोजनस वेस्ट। याद रखिएगा एक्सक्रीशन एक ऐसी टर्म है जिसके अंदर एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब होता है रिमूवल, और रिमूवल का मतलब होता है बॉडी से निकाल देना। एक्सक्रीशन का वर्ड बेसिकली जो ड्राइव है वो एग्जिट से ड्राइव है। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकाल देना और परमानेंटली किसी भी चीज को बॉडी से बाहर की तरफ को रिलीज करवा देना, और वो जो चीज रिलीज हो रही है वो क्या चीज है, वो नाइट्रोजनस वेस्ट है। ऐसा वेस्ट जो कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को अपने अंदर रखता हो, याद रखिएगा उसको हम क्या नाम देते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाइट्रोजनस वेस्ट का बॉडी से रिमूव होना बहुत
क्यों जरूरी है। आगे ये टॉपिक में बहुत ज्यादा डिटेल में आएगा, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ एक पॉइंट क्लियर करूंगा कि अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं तो हमारे सेल्स जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली इनकी डेथ होना शुरू हो जाती है। और इसकी वजह क्या है कि ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे सेल्स के पीएच लेवल को बहुत ज्यादा तेजी के साथ चेंज करवाते हैं। जब ये पीएच लेवल बहुत ज्यादा तेजी के साथ चेंज होगा तो मेटाबॉलिज्म हमारे सेल्स का डिस्टर्ब हो जाएगा और अल्टीमेटली सेल्स की डेथ होना शुरू हो जाएगी। सो याद रखिएगा, एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होती है। और थर्ड टाइप है इसकी थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर और रेगुलेशन का मतलब मेंटेनेंस या रेगुलेशन। तो याद रखिएगा, थर्मो रेगुलेशन का मतलब है रेगुलेशन ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर, मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल टेम्परेचर विद इन टॉलरेबल रेंज। टॉलरेबल रेंज का मतलब होता है बर्दाश्त की जा सकने वाली रेंज। बर्दाश्त की जा सकने वाली रेंज कौन सी है? जो कि हमारे सेल्स के अंदर पाई जाती है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा सेल बकायदा तौर पर मेटाबोलिज्म कर सकता है। याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा भी हो जाता है और बहुत कम भी हो जाता है, तो लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 के अंदर एंजाइम्स के अंदर हमने बहुत ज्यादा डिटेल में देखा था कि अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा तेजी से चेंज होता है, लाइक इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, तो इसका इफेक्ट एंजाइमेटिक एक्टिविटी के ऊपर आता है। सो याद रखिएगा, किसी भी सेल का अपने मेटाबॉलिज्म को नॉर्मल रखने के लिए बहुत जरूरी है कि उसके अंदर टेम्परेचर जो है वो भी एक रेंज में हो। टेम्परेचर थर्मोरेगुलेशन का टॉपिक जो है ये हमारी हमारी बुक के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर एक पूरा टॉपिक मौजूद है, लिहाजा इसको हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम्योस्टेसिस फैक्ट्स की। तो क्या है इसमें फैक्ट्स में? होम्योस्टेसिस डज नॉट मीन टू कीप अ फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड कि कभी भी ये जो होम्योस्टेसिस होती है ये फिक्स्ड इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन नहीं करती। ये क्या करती है? ये एक रेंज में लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक कांस्टेंट रेंज में लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंडीशन को फिक्स करती है, सॉरी रेगुलेट करती है। जैसा कि मैं आगे पिक्चर में दिखाऊंगा, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दूंगा कि उसके अंदर ये चीज आएगी कि जो हमारी बॉडी का बैरूनी टेम्परेचर होता है वो चूंकि बहुत ज्यादा होता है, लाइक 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर तकरीबन 45 to 50 डिग्री सेल्सियस तक, इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन होती है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, बल्कि ये एक रेंज में होता है जो कि आपकी बुक में मेंशन है, जो कि तकरीबन 36.1 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37.8 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो इसका मतलब होम्योस्टेसिस का मतलब कि फिक्स टेम्परेचर पर रखना नहीं है, बल्कि एक रेंज में रखना है, फिक्स्ड रेंज में रखना जरूरी है। अगली बात आ जाती है मेंटेनेंस विद इन स्पेसिफिक रेंज ऑफ द नॉर्मल फंक्शन। सो अगली बात इससे क्या है कि मेंटेनेंस विद इन स्पेसिफिक रेंज फॉर नॉर्मल फंक्शन। तो याद रखिएगा, अगर फिक्स टेम्परेचर होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी इसको फंक्शनिंग को परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो फिक्स टेम्परेचर के ऊपर वर्किंग नहीं करते, बल्कि वो फिक्स टेम्परेचर की बजाय वो एक रेंज, एक लिमिटेड रेंज ऑफ द टेम्परेचर चेंजेस या फिर सोल्यूट एंड वाटर कॉन्सेंट्रेशन में वर्किंग करते हैं। इसकी एग्जाम्पल भी आगे जाकर हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाटर अवेलेबिलिटी फ्लक्चुएट्स, सो कंट्रोल सिस्टम वुड नॉट लेट द बॉडी फ्लडेड। फ्लडेड का मतलब होता है पानी की कंसेंट्रेशन का बढ़ जाना इन अबंडेंट सप्लाई, और डिहाइड्रेट इन रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई। डिहाइड्रेट का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना। सो यहां तक हमने बात की है होम्योस्टेसिस के फैक्ट्स के हवाले से। अब हम अगली बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम की। इससे पहले मैं एक और बात, जी तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे कंट्रोल सिस्टम की। सो याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं कंट्रोल सिस्टम की तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवाने के लिए हमारी बॉडी का जो एक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम नाम देते हैं कंट्रोल सिस्टम। हमारी बुक ये लिखती है कि कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल एक्ट करती है एज हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम, यानी लिविंग बॉडी का कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल वैसे ही एक्ट करता है जैसा कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। बेटा फिजिकल कंट्रोल सिस्टम
सिस्टम में मैं अगर एग्जांपल दूं तो मैं लाइक आयरन यानी कि इस्त्री की एग्जांपल देता हूं। मेरा बेटा इस्त्री की वायर्स में बकायदा तौर पर इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है, और ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ये जब मूव करता है तो उसकी वजह से फिलामेंट बर्न होना शुरू हो जाता है। आप जब उसके रेगुलेटर की मदद से उसके थर्मोस्टेट को किसी एक टेम्परेचर पर सेट कर देते हैं तो मेरा बेटा ये जो थर्मोस्टेट होता है ये आपकी इस कांस्टेंट टेम्परेचर को बकायदा तौर पर रेगुलेट करता है। लाइक आपने जितना उसका थर्मोस्टेट सेट किया वहां तक फिलामेंट जो है वो बर्न होगा। जब टेम्परेचर उस स्पेसिफिक रेंज पर पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का जो अंडर कंट्रोल सेंटर होगा, कंट्रोल सेंटर ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, वो इस कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर देगा। डिसकनेक्शन की वजह से आपकी इस्त्री की जो लाइट होती है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है, यानी इसका मतलब इस्त्री जो होती है उसका सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो यही कंडीशन के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करें तो फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर भी तीन चीजें वर्किंग कर रही है। नंबर वन बाकायदा तौर पर सेंसर है, नंबर टू कंट्रोल सेंटर है, और तीसरा अफेक्टर है। सेम केस अगर हम बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम के भी तीन ही कंपोनेंट्स हैं, नंबर वन रिसेप्टर, नंबर टू कंट्रोल सेंटर और नंबर थ्री इफेक्टर। सो याद रखिएगा रिक्वायरमेंट ऑफ द होम्योस्टेटिक रेगुलेशन रेगुलेशन होम्योस्टेटिक रेगुलेशन के लिए कंट्रोल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। और कंट्रोल सिस्टम को मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर हम बात करें कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस डायग्राम में कि इस अगर मैं इस पूरे बड़े सर्कल को अगर मैं कंसीडर कर लूं कि ये एक बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो याद रखिएगा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो कंडीशंस होती हैं उनके अंदर जो फ्लक्चुएशंस होती हैं ये वाइडर रेंज की होती हैं। तो ये वाइडर रेंज की फ्लक्चुएशंस जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर यही वाइडर रेंज की फ्लक्चुएशंस आएंगी तो हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर सकती। लिहाजा आप देख सकते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट के दरमियान में ये एक कंट्रोल सिस्टम मौजूद है। ये कंट्रोल सिस्टम क्या काम करता है, ये कंट्रोल सिस्टम इस वाइडर रेंज की फ्लक्चुएशंस को इन नैरो रेंज की फ्लक्चुएशंस पर रिस्ट्रिक्ट करता है। तो याद रखिएगा ये जो कंट्रोल सिस्टम है इसमें तीन कंपोनेंट्स आ रहे हैं जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। इसके अंदर सबसे पहला रिसेप्टर है, दूसरा इफेक्टर और दूसरा कंट्रोल सेंटर और तीसरा है कोऑर्डिनेटर। अगली बात आ जाती है कि अगर हम बात करते हैं ये नैरो रेंज की, तो अगली बात देखिएगा अगर हम देखें इंटरनल कंडीशंस यानी अगर ऑब्जर्व करें तो ये वाला जो हिस्सा है ये सेल का, ये इस सेल का इंटरनल कंडीशन है, ये वाला हिस्सा सेल की इंटरनल कंडीशन है, लेकिन ये वाली सेल की एक्सटर्नल कंडीशन है। इसका मतलब ये वाला इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है और ये इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है। तो याद रखिएगा कि सेल का भी इस नैरो रेंज की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल सेंटर के जरिए से इसको ये मजीद अपने रिस्ट्रिक्टेड यानी कि एक कंट्रोलेबल रेंज में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंट्रोल सिस्टम्स वर्किंग इन टू द बॉडी। जो फर्स्ट कंट्रोल सिस्टम है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के लिए होता है, जो कि बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के लिए। और दूसरा जो इन्वायरमेंट होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट के दरमियान पाया जा रहा होता है। तो याद रखिएगा कि ये दोनों तरह का जो कंट्रोल सिस्टम होता है इसके तीन तीन ही कंपोनेंट्स होते हैं। जो सबसे पहला कंपोनेंट है इसको नाम दिया जाता है रिसेप्टर का, और दूसरे को नाम दिया जाता है कंट्रोल सेंटर का, और तीसरे को नाम दिया जाता है कोऑर्डिनेटर का। अभी मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि ये तीनों चीजें होती क्या है। सो याद रखिएगा कि इसकी एग्जाम्पल मैं इस तरीके से दूंगा कि जैसे आप ऑब्जर्व करते हैं कि आपकी स्किन, ये जो आपकी बॉडी की जो स्किन होती है, बाहर टेम्परेचर अगर ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी की जो स्किन होती है ये डिटेक्ट करती है कि बाहर टेम्परेचर ज्यादा है। इसका मतलब आपकी स्किन क्या है, ये एक रिसेप्टर है, ये एक रिसेप्टर है। तो अगली बात क्या आ जाती है, जब ये रिसेप्टर होगा तो रिसेप्टर यहां से हाई टेम्परेचर के स्टिमुलस को फॉरवर्ड करेगा टुवर्ड्स ब्रेन। तो हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर होगा, मेरा बेटा कंट्रोल सिस्टम का पहला कंपोनेंट था रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या है स्किन, तो उसके बाद जो कंट्रोल सेंटर होगा वो होगा ब्रेन। जबकि जो
अफेक्टर होगा तो ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन ऑब्जर्व करेगा कि देयर इज हाई टेम्परेचर, जैसा कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल सेंटर ने काम किया था जिसकी वजह से वो सर्किट ब्रेक हुआ था। तो यहां पर भी यही काम होगा कि कंट्रोल सेंटर फॉरवर्ड कर देगा इस इम्पल्स को टुवर्ड्स अफेक्टर, और याद रखिएगा अफेक्टर मे बी ग्लैंड्स एंड मे बी मसल्स, तो यहां पर मसल्स और ग्लैंड्स दोनों एक्ट करेंगे। अब ग्लैंड्स की एग्जांपल में आ जाता है, अगर हम टेम्परेचर की ही बात करें तो हाई टेम्परेचर को ऑब्जर्व किया स्किन ने, उसको उस स्किन इसका मतलब रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर ने उस इंपल्स को फॉरवर्ड किया टुवर्ड्स कंट्रोल सेंटर जो कि ब्रेन है, और ब्रेन ने एक्टिवेट करवा दिया दो चीजों को। नंबर वन, हमारे मसल्स की जो शिवरिंग थी, मेरा बेटा और मेटाबॉलिज्म था उसको स्लो डाउन करवा दिया, और दूसरा ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन कम हो, और सेकेंड क्या था कि यहां पर प्रोडक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड की स्टिमुलेशन काज हुई है। वो स्वेट ग्लैंड की जो स्टिमुलेशन है उसकी वजह से क्या फायदा होगा कि स्वेट ग्लैंड ब्लड में से वाटर को रिट्रीव करके स्वेट डक के जरिए से स्वेट को हमारी बॉडी के ऊपर स्किन के ऊपर रिलीज करवाएंगे। जब रिलीज करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी का की बाहर की स्किन के ऊपर जब वाटर पानी आ जाएगा तो वो पानी क्या करेगा, हमारी बॉडी की एक्सटर्नल टेम्परेचर को रेगुलेट कर देगा, इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर देगा डिस्पाइट चेंज इन एक्सटर्नल कंडीशन। तो यही बात यहाँ पर हमने कंट्रोल सिस्टम की। तो कंट्रोल सिस्टम में तीन कंपोनेंट्स आए, नंबर वन स्किन, वो क्या था रिसेप्टर, उसके बाद कंट्रोल सेंटर, वो क्या था ब्रेन, और थर्ड क्या था अफेक्टर, अफेक्टर में आ जाते हैं हमारे मसल्स और ग्लैंड्स। ये तो था किसके हवाले से, ये कंट्रोल सिस्टम था हमारी बॉडी का। और अगर हम सेल की बात करेंगे तो सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है मेरा बेटा वो न्यूक्लियस होता है, और मेरा बेटा जो रिसेप्टर होता है वो इसकी बाकायदा तौर पर ये बाहर वाली पेरिफेरी जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं ये होती है। तो याद रखिएगा कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यही इसके इंटरनल कंडीशंस को रेगुलेट करवाती है न्यूक्लियस के साथ मिलकर एज अ कंट्रोल सिस्टम एक्ट करके, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट टू इंटरनल इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। याद रखिएगा जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो उसके बाद ये मेंटेनेंस या किसी भी तरह की जो रेगुलेशन है क्यों होती है, ये होती है जस्ट बिकॉज ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, इसकी वजह से होती है फीडबैक मैकेनिज्म। मेरा बेटा फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, जैसा कि फीडबैक का मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी का रिजल्टेंट आना, तो मेरे बेटा अगर रिजल्टेंट हमारी बॉडी को फेवर कर रहा है तो ये प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, बट अगर रिजल्टेंट हमारी बॉडी को सपोर्ट नहीं कर रहा तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। यानी इसका मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर कंटिन्यूसली ज्यादा रहेगा तो हमारी बॉडी कंटिन्यूसली स्वेटिंग को प्रोड्यूस करवाती रहेगी, ये फीडबैक मैकेनिज्म के तहत है। और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेरा बेटा क्या होगा, ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम, वही बात स्टिमुलस जो कि रिसेप्टर होते हैं, सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन इसको फॉरवर्ड करते हैं ब्रेन ब्रेन की तरफ, और ब्रेन इसको फॉरवर्ड कर देता है टुवर्ड्स अफेक्टर, और यहाँ पर मसल्स और ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, ये देखें फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में बिल्कुल ये दोनों एक ही तरह से एक्ट करते हैं, जैसा कि टेम्परेचर सेंसर थर्मोमीटर होता है, इसके बाद सिग्नल टू कंट्रोल सेंटर, और इसके अलावा हीटर या कूलिंग यूनिट जो होता है वो टेम्परेचर को ड्रॉप करवा के तो इस सर्किट को फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के यूनिट उसको सर्किट को ब्रेक करवा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन की। ऑस्मो रेगुलेशन क्या चीज है, मैंने आपसे पहले अर्ज की थी कि ऑस्मो का लफ्ज़ मतलब होता है वाटर एंड सॉल्ट्स, तो रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इज कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वाटर रिलेशन ऑफ द सेल, वाटर सॉल्वेंट ऑफ द सोल्यूट इन द सेल। देखिएगा अगर हम ऑब्जर्व करें कि एक सेल है तो सेल के बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और इसके अलावा इनसाइड ऑफ द सेल मौजूद है। याद रखिएगा अब आपको इस चीज का पता है कि ईच सेल अडेप्टेड टू डिफाइन क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन रिलेशन टू सॉल्ट। याद रखिएगा पानी खुद ब खुद कभी भी सेल के अंदर नहीं जा सकता या फिर सेल से बाहर नहीं आ सकता, ये डिपेंड करता है सोल्यूट की कंसेंट्रेशन पर। इसका मतलब सोल्यूट या सॉल्ट की कंसेंट्रेशन अगर सेल्स में ज्यादा होगी तो पानी अंदर आएगा, और अगर सेल्स के बाहर ज्यादा होगी तो पानी बाहर जाएगा। यानी इसका मतलब जहां पर सोल्यूट ज्यादा वाटर की मूवमेंट भी वहां पर होगी, और जहां पर सोल्यूट कम वाटर की मूवमेंट वहां से हमेशा होगी। यानी इसका मतलब वाटर हमेशा कम साल्ट की कंसेंट्रेशन से ज्यादा साल्ट की कंसेंट्रेशन की तरफ को मूव करता है। यहां पर ये प्लांट सेल जबकि ये एक एनिमल सेल को दिखाया गया है, इन दोनों के अंदर यही मैकेनिज्म होता है कि दोनों सेल्स के अंदर वाटर और वाटर की रेगुलेशन जो होती है मेरा बेटा वो सॉल्ट्स के पर्सपेक्टिव में होती है। सो
ईच सेल अडेप्टेड टू डिफाइन क्वांटिटी ऑफ द वाटर इन रिलेशन टू सॉल्ट, यही बात मैंने आपके साथ अर्ज की, टू परफॉर्म फंक्शंस बाय होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। इसका मतलब हमारे सेल्स जो होते हैं वो पानी को रेगुलेट करने के लिए अपने अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन को रेगुलेट करवाते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए हम अगला टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है वाटर बैलेंस ऑफ द सॉल्ट एंड सोल्यूट। लास्ट ईयर आप एक प्रोसेस पढ़ चुके हैं जिसका नाम होता है ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस का लफ्जी मतलब होता है, ऑस्मोसिस का लफ्जी मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लो सोल्यूट कंसेंट्रेशन टू हाई सोल्यूट कंसेंट्रेशन, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। और याद रखिएगा यहाँ पर भी डिपेंड किस पर कर रहा है, सॉल्ट, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये भी डिपेंड किस पर कर रहा है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन पर। इसका मतलब अगर सॉल्ट ज्यादा होगा बाहर वाली साइड पर तो फिर पानी जो होगा वो ऑटोमेटिकली बाहर मूव करेगा, अगर सॉल्ट सल के अंदर ज्यादा होगा तो इसको हम किसका नाम देते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लाइक ये देखिएगा, सबसे पहले लिखा है हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन, हाइपो का मतलब होता है लेस, जबकि टॉनिक का मतलब होता है रिलेटेड सोल्यूट कंसेंट्रेशन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो पॉइंट टू बी नोटेड, अगर ये बाहर वाले इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसेंट्रेशन कम हो तो इसको हम नाम देंगे हाइपोटॉनिक सोल्यूशन का। मेरा बेटा जब ये हाइपोटॉनिक होगा तो सेल के अंदर साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, सेल ऑटोमेटिकली अंदर हाइपरटॉनिक होगा। तो पानी की मूवमेंट जो होगी वो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वाटर मूव करता है फ्रॉम हाइपोटॉनिक सोल्यूशन टू हाइपरटॉनिक सोल्यूशन, फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन टू कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो इसका मतलब इस कंडीशन के अंदर पानी मूव करेगा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द सेल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लांट सेल्स जो होते हैं वो इस कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, पर एनिमल सेल्स जो होते हैं वो इस कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल मौजूद नहीं होती। अगर एनिमल सेल्स के अंदर यहां पर वाटर की कंसेंट्रेशन इनसाइड द सेल इंक्रीज कर जाएगी तो सेल बर्स्ट कर जाएंगे। इसी तरह से हम बात करते हैं आइजोटॉनिक की, तो आइजो का मतलब होता है सेम और टॉनिक का मतलब होता है रिलेटेड सोल्यूट कंसेंट्रेशन। अगर बाहर और अंदर, सेल के बाहर और अंदर दोनों कंडीशंस में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन एक जैसी हो तो इसको हम नाम देते हैं आइसोटॉनिक का। सो जब हम आइसोटॉनिक की बात करेंगे तो याद रखिएगा जितनी कंसेंट्रेशन में वाटर बाहर मूव करेगा उतनी ही कंसेंट्रेशन में वाटर इनसाइड, जितनी कंसेंट्रेशन में सॉल्ट बाहर मूव करेगा उतनी ही कंसेंट्रेशन में इनसाइड। तो इसका मतलब सेल का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा, एनिमल सेल्स नॉर्मली इसी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरटॉनिक सोल्यूशन की, हाइपरटॉनिक सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब बाहर वाली साइड पर सॉल्ट ज्यादा है और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटॉनिक सॉल्यूशन। इसका मतलब सेल के अंदर हाइपोटॉनिक कंडीशन है, डाइल्यूट कंडीशन है, सेल के बाहर हाइपरटॉनिक कंडीशन है, कंसंट्रेटेड कंडीशन है। इसका मतलब वाटर मूव करेगा फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द सेल। तो इसके नतीजे में सेल क्या कर जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। जब सेल श्रिंक कर जाएगा तो इसको हम नाम देते हैं प्लाज्मोलिसिस, इसको नाम दिया जाता है सेल प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। याद रखिएगा जब पानी बाहर से अंदर आया तो इसको नाम दिया जाता है एंड ऑस्मोसिस, लास्ट ईयर चैप्टर नंबर 14 में भी आप पढ़ चुके हैं। जब पानी अंदर से बाहर जाएगा तो इसको नाम दिया जाता है एग्ज ऑस्मोसिस, क्योंकि पानी एग्जिट कर रहा है, बाहर जा रहा है, और इस कंडीशन में वाटर जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर आएगा। तो ये था वाटर बैलेंस प्रॉब्लम। इसके हवाले से हम अगली बात करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट, द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसमिक रेगुलेशन क्या है, कि होम्योस्टेटिक सॉल्यूशन जो होता है, यही बात मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि द सॉल्यूशन आउटसाइड ऑफ द सेल इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन द साइड देन इनसाइड ऑफ द सेल, वाटर विल मूव आउट ऑफ द सेल बाय ऑस्मोसिस कॉजिंग इट टू श्रिंकेज। ये मैंने आपको बता दिया, इसको हम नाम देते हैं सेल बिकम फ्लैसिड, सेल पिचक जाता है और इस कंडीशन में सेल जो होता है उसकी डेथ कॉज हो जाती है। आइसोटॉनिक सॉल्यूशन में द सॉल्यूशन इनसाइड द सेल हैज द सेम कंसेंट्रेशन एज आउटसाइड द सेल, वाटर विल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल एट इक्वल रेट, जितना पानी बाहर गया उतना ही पानी अंदर आया। अब जब हम हाइपोटॉनिक सॉल्यूशन की बात करेंगे तो द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल हैज अ लो कंसेंट्रेशन देन इनसाइड द सेल, वाटर विल मूव इनटू द सेल बाय ऑस्मोसिस सम टाइम्स कॉजिंग इट टू बर्स्ट। ये बात मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि एनिमल सेल्स जो होते हैं ये बर्स्ट कर जाते हैं अगर ये वाली कंडीशन बढ़ जाए, लेकिन अगर ये कंडीशन प्लांट सेल्स के अंदर बढ़ जाए तो ये काज करता है टर्जिडिटी। इसकी वजह से सेल अपनी कंडीशन को, अपनी कंसेंट्रेशन को, अपनी शेप को मेंटेन करता है और मेरा बेटा इसकी वजह से सेल जो होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो यहां तक आज का लेक्चर है मेरा बेटा, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक से भी इसको रीड कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू, फी मान अल्लाह, अल्लाह आप सबका हामी नसीर। अस्सलाम वालेकुम।